फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस से रिलेटेड, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको डिस्क्लोज करनी है तो आप रिटर्न में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। सेकंड, इंट्राडे ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज करेंगे। अगर आपने इक्विटी ट्रेडिंग किया है तो आप उसको कैसे शो करने वाले इनकम टैक्स रिटर्न में। डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे शो करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट के टू वीडियोज में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया था कि आप गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे फॉलो करके अकाउंटिंग कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन की। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने देखा था कि कैसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। ये सारी चीजों के मैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे ले चलती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग से हैं तो आपको आईटीआर 3 ही आपके पास ऑप्शन है भरने का। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इन सारे बिजनेस के साथ साथ आपका एक प्रोफेशन भी है जिससे रिलेटेड हम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक ही रिटर्न में कैसे शो करें, ये सब हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पे ऑडिट सेक्शन पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑडिट सेक्शन इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या चीजें बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। ये आईटीआर 3 है। सबसे पहले आपसे वो क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 44AA से रिलेटेड कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है या नहीं, तो आप इसको येस सिलेक्ट करेंगे। फिर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के सेक्शन से रिलेटेड वो पूछेगा आपसे कि वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44AD ही सारे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के सेक्शन है। अगर आपके अदर कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है जिससे रिलेटेड आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आप इसको भी येस करेंगे। इसके बाद अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो उसके लिए आपको सेक्शन 44AB को येस करना है। वेदर द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, आपको उसको भी येस करना है। और उसके बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी डेट क्या है एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है, और ऑडिटर का नाम बताना है, उसका मेंबरशिप नंबर बताना है, उनके फर्म का नाम क्या है वो बताना है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। ये भी इंस्टीट्यूट का जो सीए फर्म है वो आईसीआई में रजिस्टर होती है, उन फर्म का अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये सब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उनकी फर्म का पैन, ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेक्शन 92E के अंडर ऑडिट में नो करना है। एंड इसके बाद के जो दो सेक्शन दो क्वेश्चंस हैं, अदर ऑडिट रिपोर्ट और अदर एक्ट में अगर आपको ऑडिट होना है उन सबको भी आप नो करेंगे। अगर आपके इनकम टैक्स में और किसी सेक्शन के तहत ऑडिट होना है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को येस करके सेक्शन बताना है, और अगर इनकम टैक्स के अलावा और कोई एक्ट में आपको ऑडिट होना है तो आपको यहाँ येस करना है। जैसे कंपनीज के केस में अगर कंपनीज का टैक्स ऑडिट है तो टैक्स ऑडिट तो इनकम टैक्स के हिसाब से हो रहा है, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज ऑडिट भी होगा तो उसमें यस करके आपको डिटेल बतानी रहती है। तो अभी मैंने नो करा है और सेव कर दिया है। तो ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके सिलेक्शन। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस है। जब आईटीआर 3 आप सिलेक्ट करते हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस कंपल्सरी शेड्यूल है। पार्ट ए बैलेंस शीट का कंपलसरी शेड्यूल है, पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंपलसरी है, पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट भी कंपलसरी है, पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंपलसरी शेड्यूल्स हैं। ये सारे शेड्यूल्स आपको फिल करना कंपलसरी रहता है। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कोड है जो कि अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस ही होगा, आप उसको सिलेक्ट करें एंड कंफर्म पे क्लिक करें। नेक्स्ट आपको बैलेंस शीट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जब ऑडिट हो रहा है तो आपको डिटेल जो बैलेंस शीट आपने बनाई है, अकाउंटिंग आपने करी है, वो पूरी डिस्क्लोज करनी रहती है। तो आइए मैं आपको बैलेंस शीट पे ले चलती हूँ। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो
रिपोर्ट्स मिलती हैं क्लियरिंग मेंबर से, वो होती है पीएनएल। आजकल सारे क्लियरिंग मेंबर पीएनएल अकाउंट फ्यूचर एंड ऑप्शन का देते ही हैं, जिसमें डेट और जो प्रॉफिट का फिगर है और लॉस का फिगर है वो देते हैं। उसी से आपको टर्नओवर कंप्यूट करना रहता है, और टर्नओवर होता है एब्सोल्यूट टर्नओवर, मींस कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसको आपको ऐड करना है। लॉस को भी पॉजिटिव वैल्यू मान के उन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपका वो टर्नओवर फ्रॉम एफएनओ होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी अपने बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको लॉस हो रहा है 1000 का और दूसरे से 4000 का गेन हुआ है, तो जो आपका टर्नओवर है वो आपका 5000 होगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस की आपको रिपोर्ट मिलेगी उससे आप टर्नओवर कंप्यूट कर लेंगे, एंड जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे तो वो रिपोर्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट होगी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गए हैं, जो आपने स्क्वायर अप कर लिए उससे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो अमाउंट आपको पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। पीएनएल अकाउंट कौन सा? जो आपको क्लियरिंग मेंबर प्रोवाइड करेगा, एंड उसमें आपको सबसे लास्ट में नेट लॉस की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली आपके 8th मई को पॉजिटिव वैल्यू है 6389, मींस ये गेन हुआ है। वैसे ही 30 जून को लॉस हुआ है 7930 का। यहाँ मैंने जो रिपोर्ट प्रोवाइड की थी उसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को अलग कर दिया है, इसलिए कर दिया कि दोनों को ऐड करेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज का 26,66,786 है टोटल, और लॉस का है 42,94,527। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, माइनस को इग्नोर करके जो आप ऐड करेंगे, तो आपका टर्नओवर आता है जो कि 69,61,314 है, और ओवरऑल जो फ्यूचर से लॉस है वो है 16,27,740। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? तो जब मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बताई थी तो उसमें कहीं पे भी टर्नओवर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। टर्नओवर कौन सा? 69,61,314 का। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे तो टर्नओवर आता है, वो आप कहीं पे भी जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं तो वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एफएनओ बिजनेस से, ये कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिफर कर सकता है। तो यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी उसको फॉलो करेंगे तो जो प्रॉफिट है सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, उसका प्रॉफिट आपको इनकम साइड में रिफ्लेक्ट करेगा 26,66,787। यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज है उन सबका टोटल भी 26,66,787 आ रहा है। वैसे ही जो टोटल लॉस है, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर रहे हैं उससे जो लॉस आया है वो 42,94,527 आया है। तो लॉसेस आपके एक्सपेंस साइड में आ जाएंगे जब आप अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे जिस तरह से, तो एक्सपेंस साइड में आपका लॉस ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, और इन दोनों का ऑटोमेटिकली आपका नेट लॉस आ जाएगा 16,27,740। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रॉफिट एंड लॉस आपका ऐसे दिखेगा, एंड बैलेंस शीट होगा तो बैलेंस शीट आप में करंट एसेट में एम टू एम मार्केट मार्क टू मार्केट मार्जिन दिखेगा, मार्क टू मार्केट डिपॉजिट्स अगर आपके केस में डिपॉजिट्स होंगे तो डिपॉजिट दिखेगा, और कैपिटल अकाउंट दिखेगा, और जो ये नेट लॉस है वो आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये होगी ऐसी बैलेंस शीट। आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अकाउंट फॉर करना है डिटेल में। तो मेरे केस में जो कैपिटल माइनस नेट लॉस अमाउंट आ रहा था प्रोप्राइटर्स फंड का, वो आ रहा था 5,07,860। तो मैंने सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्लिक करा एडिट पे, और वहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटर्स कैपिटल, वहां पर मैंने ये फिगर डाल दिया 507,860। वैसे ही अगर आपके केस में रिजर्व्स होंगे कुछ तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, आपने लोन लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो आपको लोन फंड की डिटेल भी यहाँ बतानी पड़ेगी। ये सारी आप डिटेल्स बता सकते हैं, ये तभी आप बता पाएंगे जैसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो उसके लिए मेरे प्रीवियस टू वीडियोज को आपको देखना जरूरी है। फिर आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है।
एडिट पे क्लिक करके सबसे पहले फिक्स एसेट को के बारे में पूछेगा. अगर आपके केस में फिक्स एसेट है तो आप उसकी डिटेल बताएं. इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद करेंट एसेट्स में आपको करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांसेस पे आपको अदर करंट एसेट्स पे ये वैल्यू बतानी है 507,860, क्योंकि इस वैल्यू में मार्क टू मार्केट मार्जिन है और मार्क टू मार्केट डिपॉजिट्स है. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए कोई भी कॉलम नहीं है, इसलिए मैंने अदर करंट एसेट में बताया है. आपके केस में अगर बैंक का भी अमाउंट है तो आप करंट एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंस में बैंक का अमाउंट डालेंगे और फिर आप डिटेल सेव कर देंगे. तो जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बनी है आपको वैसे ही यहां पर डिटेल में बुक्स डिस्क्लोज करने हैं. और नो अकाउंट केस में क्या आएगा? नो अकाउंट केस में आएगा आपके जैसे अदर कोई बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम FNO, जैसे इंट्रा ट्रेडिंग है, या फिर आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशनल इनकम में आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप नो अकाउंट केस में यहाँ पर कैश बैलेंस बताएंगे और कंफर्म कर देंगे. ऐसे आप बैलेंस शीट को फिल करेंगे. इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो कि आपको नहीं भरना, ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं भरना. अब अपन आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आता है क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे. एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो प्रॉफिट ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का अमाउंट है वो एनी अदर इनकम में स्पेसिफिकली नेचर ऑफ इनकम बताना है. प्रॉफिट ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 26,66,787 एंड फिर आप इसको सेव कर देंगे. इसके बाद डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर भी आप एडिट पे क्लिक करेंगे. फिर आपको यहां पर कोई भी स्पेसिफिक एंट्री नहीं है लॉसेस ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. और लास्ट में जो एनी अदर एक्सपेंस है, यहाँ स्क्रॉल डाउन आप करते जाइए और अदर एक्सपेंसेस में 46 नंबर के पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली लॉस ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताना है और अमाउंट 42,94,527. आप ऐसे करके लॉसेस को एड कर देंगे, सेव कर देंगे. इसके बाद आप देख सकते हैं 53 नंबर पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में ऑटोमेटिकली आपका लॉस ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस से आ जाएगा 16,27,740. तो ये मेरी ओपिनियन है ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज करने की. ऐसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस से बताएंगे. आपका अगर टैक्स ऑडिट होना है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लाइबिलिटी है तो आपको ऐसे फिल करना है बैलेंस शीट शेड्यूल एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल. उसके बाद आता है प्रिजम्प्टिव इनकम. तो मेरे केस में यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम है जिसमें मैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रही हूँ, तो एडिट पे क्लिक करूंगी. एडिट पे प्रोफेशन पे जाएंगे, प्रोफेशन में नेचर ऑफ नेम ऑफ द बिजनेस बताना है एंड बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है. इसके बाद आपको ग्रॉस रिसीट बतानी है प्रोफेशन से कितनी है और उसके बाद उसका 50% जो मिनिमम नेट इनकम है जो डिस्क्लोज करने के एज पर सेक्शन 44 ADA वो आपको बताना है, जो कि 7,25,000 मैंने मिनिमम 50% बता दिया है और आप ऐसे सेव कर देंगे. अगर आप मिनिमम 50% से कम बताते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी रहता है. ये हो गई है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी मैंने डिटेल डाल दी. अब मेरी बारी आती है इंट्राडे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालने की. तो मैं नो अकाउंट केस पे जाऊंगी और वहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी. तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि सेम डे ही आपका सेटलमेंट होता है वो भी विदाउट डिलीवरी. तो आइए पहले देखते हैं मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कितना प्रॉफिट एंड लॉस है.
तो यहाँ पर सिर्फ तीन वैल्यूज हैं, 2748 जिसका टर्नओवर आ रहा है, क्योंकि तीनों एंट्रीज में मेरा लॉस हुआ है, तो नेट लॉस कितना है 2748, इन सबको आप ऐड करेंगे तो मेरा टर्नओवर भी 2748 ही आता है। तो आइए अब अपन इनकम टैक्स रिटर्न में देखते हैं कि कैसे इसको देखना है। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में सबसे पहले टर्नओवर फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी पूछते हैं, तो 2748 मैंने वहां डाल दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट पे मैंने नेगेटिव अमाउंट करके 2748 बताया है। ऐसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड भी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस का, प्रोफेशनल इनकम जिससे रिलेटेड मैंने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन बेनिफिट क्लेम कर रही हूँ, और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये तीनों मैंने बताई है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल है बीपी, उसमें आप कैसे बताएंगे, क्योंकि वहां पर आपको जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट में आपके तीनों बिजनेस से रिलेटेड एंड प्रोफेशन प्रोफेशनल इनकम इंक्लूडेड है, उससे आपको बाइफर्केट करके बताना है कि इसमें से आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस से रिलेटेड कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड आपके जो बिजनेस है फ्यूचर एंड ऑप्शन, उससे रिलेटेड कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो उसको अलग करना जरूरी है। वैसे ही जो आपका एफएनओ से रिलेटेड लॉस है वो नॉर्मल बिजनेस माना जाता है, तो वो लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं आपके अदर इनकम से एक्सेप्ट सैलरी। तो जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल ओपन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से ये उठ के फिगर आ जाएगा जो कि -9,05,488 है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इंक्लूडेड इन वन, वन में से स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कितनी है, तो मैंने यहाँ पर -2748 बता दी। जब आप ये बताएंगे उसके बाद आपको 4A पॉइंट में जो कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड है, वहां ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए करेगी क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के जो पॉइंट है उसमें आपने मेंशन किया था 44ADA में आपका जो इनकम है नेट 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 इनकम वो 7,25,000 है, तो उसने ऑटोमेटिकली वहां से इंफॉर्मेशन ले ली। जब वो इंफॉर्मेशन आपने ये दोनों अलग कर ली, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस की, तो 0.6 में बैलेंस में ऑटोमेटिकली आपका जो डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस है वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि मेरे एफएनओ बिजनेस से रिलेटेड है 16,27,740। तो अब ये जो मेरा प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का प्रॉफिट है और एफएनओ का लॉस है, ये दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मल बिजनेस का प्रोफेशनल इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, इसलिए जो नेट मेरा लॉस आएगा वो आएगा 9,02,740। इसमें स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो सेपरेट होगा, वो सेट ऑफ नहीं होता। ऐसे करके आप सेव कर देंगे और आपका शेड्यूल बीपी भी सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इक्विटी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताती हूँ। अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं तो वो आपका कैपिटल गेन होगा, अनलेस आपकी वो भी बिजनेस नहीं है। तो कैपिटल गेन शेड्यूल में आप जाएंगे और आपको जो आपका इक्विटी शेयर्स आपने बेचे हैं वो अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना है सेक्शन 111A का, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर्स बेचने पे या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स बेचने पे, तो आपको 112A सिलेक्ट करना है जो कि फोर्थ पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स ट्रेड करे हैं, उसको बेचे हैं, उससे आपका अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो उसके लिए आपको सेवेंथ पॉइंट जो कि फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल दी अबव लिस्टेड आइटम्स को सिलेक्ट करना है। काफी लोगों ने मुझसे डाउट पूछा कि डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे शो करेंगे, तो वो सेवेंथ पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए, एंड आप उसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो कैपिटल गेन शेड्यूल में आपके तीन सिलेक्शन हुए हैं, एक सेक्शन 111A का अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड या इक्विटी ओरिएंटेड
म्यूचुअल फंड से, तो आपको सेक्शन 112A सिलेक्ट करना है. अदर देन इक्विटी लाइक डेट म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचे, तो आपको फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव आइटम लिस्टेड पे क्लिक करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म को कैसे बताएंगे. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्र�म इक्विटी शेयर आपका सेक्शन 111A में जाएगा. यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है, डिडक्शंस डालने हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन. विदाउट इंडेक्सेशन इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म है. अगर आपने 12 महीने से के पहले ही बेच दिए हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म माना जाएगा. तो आपको उस शॉर्ट टर्म सेक्शन में इंफॉर्मेशन पुट करनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन. बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. यहाँ पर आपको टोटालिटी में फिगर डालनी है. इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में जाएगा. उसके लिए आपको शेड्यूल 112A पे जाना है और इंफॉर्मेशन पुट करनी है. इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि शेड्यूल 112A क्या है, उसके जो सारे कॉलम्स है उसका क्या मतलब है. तो ये यहाँ पर आपको शेयर और यूनिट एक्वायर्ड में मैंने आफ्टर 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करा है. अगर आप बिफोर करेंगे तो ग्रैंडफादर रूल लग जाएगा. अगर आपको डिटेल में जाना है ग्रैंडफादर रूल क्या है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देखें. यहाँ पर जब आप आफ्टर 31 जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटालिटी में फिगर डालना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और आपका नेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा जिसपे आपको टैक्स देना है. तो ऐसे करके आपने देखा कि अभी अपन ने इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों देख लिए. अब अपन देखते हैं डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड. डेट म्यूचुअल फंड का कंप्यूटेशन भी सेम ही है एज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी म्यूचुअल फंड उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको शॉर्ट टर्म में दो ऑप्शंस आते हैं. फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इन केस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स. यहाँ पर शेयर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं. अपने केस में म्यूचुअल फंड है तो A2 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर. यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है. मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5,40,000 सेल कंसिडरेशन है एंड जो कॉस्ट है डेट म्यूचुअल फंड की वो है 3,20,000. तो मैंने इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन. इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म आपको विदाउट इंडेक्सेशन में ही डालना है. यहाँ पर विथ इंडेक्सेशन नहीं है ऑप्शन, आपके लॉन्ग टर्म में विथ इंडेक्सेशन का ऑप्शन आएगा. तो आप ये जब डालेंगे तो नेट आपका 2,20,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. एंड इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन डालनी है. लॉन्ग टर्म में भी सेम दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है इनकेस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स एंड सेकेंड है अदर देन एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर. तो आपको अदर देन अनकोटेड शेयर में इंफॉर्मेशन डालनी है क्योंकि ये डेट म्यूचुअल फंड्स हैं. तो यहाँ पर 3,00,000 डाल दी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन आपको डालनी है 1,25,000 है. एंड ऐसे आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,75,000. तो ऐसे आपको डेट म्यूचुअल फंड्स ITR 3 में या ITR 2 अगर आपके केस में है तो उसमें भी आप कैपिटल गेन शेड्यूल में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे और कंफर्म क्लिक करेंगे. तो ऐसे आपका कैपिटल गेन शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा. इसके बाद मैं आप लोगों को जो लॉसेस कैसे सेट ऑफ होते हैं अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं या करेंट ईयर के लॉस है इससे रिलेटेड भी बताऊंगी. तो शेड्यूल CYLA, BFLA एंड CFLA. इसमें सबसे पहले अपन CYLA देखते हैं. तो जो करेंट ईयर के लॉसेस हैं
वो सबसे पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन में, प्रोफेशन से इनकम थी और बिजनेस से लॉस है, FNO बिजनेस से लॉस है, उन दोनों को सबसे पहले सेट ऑफ करा और नेट लॉस जो है 9,02,740 ये मेरे अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा। तो अदर हेड की इनकम जो है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उससे सेट ऑफ नहीं होता, सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉसेस ही सेट ऑफ हो सकते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उससे ये अमाउंट सेट ऑफ होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 2,20,000 डेट म्यूचुअल फंड से आया था, उसका जो गेन था वो अब मेरे बिजनेस और लॉसेस सेट ऑफ हो जाएगा। और वैसे ही जो बाकी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो इक्विटी शेयर्स बेचने से हुआ था, बाकी का अमाउंट 5,07,740 उससे सेट ऑफ हो गया। जब ये करेंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ हो गए, देन जो आपका बैलेंस इनकम है वो कंप्यूट होगा, जो कि अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 41,54,033 रुपीज है आफ्टर करेंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ, एंड इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपकी इनकम 2,26,074। तो ऐसे करके आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। आपने देखा ये शेड्यूल ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। अब बात आती है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करने की। पहले करेंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ हो गए, अब अपन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस देखेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जब आप BFLA वाला जो शेड्यूल है वो खोलेंगे तो एक मैसेज पॉपअप होता है, इफ यू हैव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज फिल शेड्यूल CFL फर्स्ट। CFL मीन्स करेंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो हमें इस शेड्यूल से पहले आपको CFL शेड्यूल में लॉसेस बताने पड़ेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लॉसेस कितने थे, तभी BFLA में वो सेट ऑफ होंगे। तो मैं बैक टू शेड्यूल पे क्लिक कर रही हूँ और CFL में जा रही हूँ। CFL में आपके जो भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड लॉसेस है आपको वो बताना है, और जितना अब आगे आपको सेट ऑफ करना है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। मेरे केस में 1920 से रिलेटेड डेट ऑफ फाइलिंग मैंने बता दी और कौन से हेड में लॉस था। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं आपको हेड्स मिलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, उसके बाद कैपिटल गेन लॉस। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में 25,06,000 मैंने डाला है अमाउंट। ये अमाउंट आप डालेंगे एंड जो करेंट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, वैसे तो बिल्कुल नहीं है बट स्पेक्यूलेटिव लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ रहा है 2,748। फिर आप जब इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपको कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप BFL शेड्यूल में जाएंगे। थोड़ी सी यूटिलिटी प्रॉब्लम है जी। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना 41,54,000 आया है, अमाउंट कहाँ से आया है, CFL जो करेंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ होने के बाद जो इनकम बची है वहां से ये इनकम उठकर आई है। फिर आपके जो ब्रॉड प्रॉफिट लॉसेस हैं वो यहाँ पर सेट ऑफ होंगे एंड आपकी जो नेट इनकम है वो आपके कंप्यूटेशन में चली जाएगी। अब नेट इनकम बच रही है 16,48,033 आफ्टर
सेटिंग ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एंड लॉन्ग टर्म है 2,26,074। तो ऐसे आपकी टोटल इनकम है 18,74,107 एंड यहाँ आप कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर देंगे। ये सब भी उसने ऑटोमेटिकली किया है, आप कुछ नहीं कर सकते एंड ये इनकम टैक्स प्रोविजन को फॉलो करके ही सेटअप्स होते हैं। तो ये रहा आपके करेंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, इन सबको आप कैसे शो करेंगे इससे रिलेटेड। फिर आप जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे यहाँ पर आपको डिटेल में कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी एंड आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं, करेंट ईयर का लॉस कितने हैं, ये सब पता चल जाएगा। करेंट ईयर का लॉस 7th पॉइंट पे आएगा 9,02,740, ब्रॉड फॉरवर्ड 9th पॉइंट में है 25,06,000 एंड उसके बाद जो बैलेंस इनकम कितनी बच रही है ये सेट ऑफ के बाद वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी। इस इनकम में भी आपकी स्पेशल रेट से कितने टैक्सेस लगेंगे उसकी 5th पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आप FNO के बिजनेस, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान देना है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड आप कैसे, अगर आपके वो भी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो एक ही रिटर्न में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो प्लीज इस मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी एजुकेशन वीडियो में बताती रहूंगी। Thank you.